आज मैं बात करूंगा बहरिया टाउन के अंदर टीलू ब्लॉक की फ्यूचर एनालिसिस के हवाले से। फॉर मोर डिटेल वॉच माय वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं श्याम हक। आपको बताया कि टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको रियल एस्टेट के मतलब अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज जो हम नई करंटली अपडेट मार्केट के मतलब लेके आया हूँ वो बहरिया टाउन के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स की है। जैसे कि आपको पता है बहरिया टाउन के अंदर ए से लेकर जी एच सेक्टर मौजूद हैं और इसमें जो करंटली मार्केट में ट्रेंडिंग जा रहा है वो सेक्टर एफ है। अगर सेक्टर एफ के अंदर हम इसमें ब्लॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 8 से 10 ब्लॉक्स मिलते हैं। स्पेसिफिकली जिस ब्लॉक की आज हम बात करेंगे वो टीपू ब्लॉक और टीपू एक्सटेंशन है। टीपू ब्लॉक टीपू एक्सटेंशन सबसे पहले अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो है वो मिल जाते हैं। और अदर देन अगर हम इसकी लोकेशन और सराउंडिंग्स की बात करें तो इसमें आपको विंटर लैंड वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है। आप इसमें टाइल सेलेक्ट का जो मेन हेड ऑफिस है वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है। आपको इंटरनेशनल सिनेमा इसमें वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है। नेक्स्ट जो बहरिया टाउन जो स्कूल है वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिलता है। स्पेसिफिकली विंटरलैंड जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में पहला फ्री जोन जो कि लाहौर में टीपू ब्लॉक के अंदर बनाया गया, ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो प्लस पॉइंट है। जो कि आने वाले दिनों में ये एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है। जो लोग लो कॉस्ट बजट में बहरिया टाउन की सब फैसिलिटीज़ को अप्रोच करना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर उसमें जो है वो अवेल कर सकते हैं। और अगर हम इसमें प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला इसमें आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो 65 से 70 के अंदर मिल जाता है। अगर हम ऑफ ग्राउंड की बात करें तो इसमें आपको ऑफ ग्राउंड प्लाट जो है 5 मरला का 72 से लेकर 80 के अंदर मिल जाता है। ये इसकी खास वजह प्राइसेस ज़्यादा होने की, आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे कि ऑफ ग्राउंड की प्राइस ऑन ग्राउंड से क्यों ज़्यादा है। उसकी स्पेसिफिकली जो वजह है वो ये है कि आप उसमें 45 लाख पे करने के बाद 6 मंथ के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट को आप कंटिन्यू करके इसकी जो पेमेंट है उसको, अगर हम इसमें ऑफ ग्राउंड प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 72 लाख से 80 लाख के अंदर आप इसको अप्रोच करते हैं 5 मरला के प्लाट को। इसमें इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह यह है कि आप इसमें 45 लाख पे करने के बाद इसको 6 मंथ के अंदर विद इन 6 मंथ के अंदर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के ज़रिए आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो परचेसिंग के दौरान टाइम ड्यूरेशन जिनको रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इसमें ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें तो जैसा कि इसमें आपको ओपन फाइल जो है वो भी मिल जाते हैं। ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें तो इसमें आपको ट्रांसफ़र फ़ीस 3.5 लाख है जो कि टोटली वेव हो जाती है इसमें। और अगर हम इसमें 10 मरला प्लॉट की बात करें तो इसमें 10 मरला प्लॉट आपको 1.20 से लेकर 1.40 के अंदर आपको मिल जाता है। और इसमें हम 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल आपको 2,50,000 से लेकर 2,75 के अंदर आपको मिल जाता है। बेसिकली टीलू ब्लॉक को डिस्कस करने का मकसद कि बहरिया टाउन का ये लास्ट ब्लॉक है और इसमें आपको प्लॉट लो कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं। आने वाले दिनों के अंदर देखा जाए तो ये रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए रिकमेंडेड है। और जो लोग बहरिया टाउन के अंदर उसकी फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ की वजह से उसको प्रेफर करते हैं और वही लोग इसको लो कॉस्ट के अंदर इसको इस ग्रेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसकी लोकेशन के अंदर देखा जाए तो आपको 2 मिनट के अंदर इसमें इम्तियाज़ मॉल मिल जाता है। आईफिल टावर आपको मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाता है। पेट्रोल पंप आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। और इसके अंदर एक जो न्यू लॉन्च होने वाली डील जो लॉन्च हुई है करंटली मार्केट में चल रही है वो कमर्शियल की है। इसमें आपको 3.5 कनाल और 4 कनाल के कमर्शियल मिल जाते हैं। 3.5 कनाल के अंदर आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिल जाते हैं और 4 कनाल के अंदर आपको टोटली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये एक हाई रिस्क बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर से लेकर 15 फ्लोर तक आपको इसमें अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। फॉर फर्दर डिटेल अबाउट बहरिया टाउन लाहौर इस्लामाबाद के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से मंथली इंस्टॉलमेंट पे हाउसेज ऑफ ग्राउंड या ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के हवाले से डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।